चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। संबंध से भी न्यारा और अबंध से भी न्यारा ज्ञान सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हो। ज्ञान एक रूप है, फिर बंधन किसके संग हो? पर्याय में प्रतिबिंबित तो होने वाले ज्ञेय भी ज्ञेय की सत्ता को छोड़कर ज्ञान दर्पण में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञान की अवस्था में मिश्रित नहीं होते। फिर मैं तो त्रिकाल न्यारा, मैं तो सर्वथा भिन्न, ऐसा सत्ता स्वरूप त्रिलोकी नाथ ज्ञायक देव हूँ। त्रिलोकी नाथ वितरागी देव भी जिस स्वरूप के आश्रय से वितरागी है, सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक मुक्ति रूपी रमा का वरण करके जिस स्वरूप में लीन है, जिस स्वरूप में लीन होकर ही मुक्ति रमा को प्राप्त हुए हैं, अलिप्त होकर के लोकालोक को जानते हैं और लोकालोक को जानकर भी अलिप्त रहते हैं। ऐसा अनंत केवल ज्ञानियों की आराधना का आधार चैतन्य परमात्मा है, यही मैं हूँ। ज्ञान से ही स्वयं की पहचान हो, ज्ञान ही साधन हो, ज्ञान का ही अवलंबन हो। जग में इसके अतिरिक्त और कोई भी मेरे लिए उपकारी नहीं है, सहकारी नहीं है। अन्य कोई भी मेरा साथी नहीं है, संगी नहीं है। जिस मित्र के लिए मैं सोचता हूँ कि कभी मुझे काम में आएगा, जिस धन को तिजोरी में इकट्ठा किया और सोचता हूँ कभी उपयोग में आएगा,
जिन परिवार जनों के लिए जीवन को मैं प्रति समय बर्बाद करता हूँ, सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल काम में आएंगे। यदि देह स्वस्थ रहा तो मैं साधना कर सकूंगा, देह ही मेरे काम में आएगा और कुछ भी नहीं। इस प्रकार से न जाने किन किन पर पदार्थों का गुलाम बना और इस सत्य से ही अनजान रहा कि ये सब साधन झूठे हैं। अनंत वितरागी परमात्मा भी मेरे काम नहीं आ सकते। अनंत वितरागी परमात्माओं के संग भी मेरा कोई साथ नहीं है, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। संग में रहने से कोई अनुभूति का रस चखने में नहीं आता। भावलिंगी मुनिराज निर्विकल्प ध्यान में लीन है। भावलिंगी मुनिराज वितराग परिणति को ऐसे उपलब्ध हुए हैं कि हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगे बिना रहती नहीं है। अत्यंत प्रचुर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव से भावलिंगी मुनिराज सिद्धों सा आनंद भोगते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज का देह भले ही दुर्गंधमयी है, फिर भी वितराग परिणति को उस दुर्गंधमयी देह से कोई प्रयोजन नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भावलिंगी मुनिराज के उसी देह में अनंत निगोदिया जीव भी वास करते हैं। मनुष्य के शरीर में अनंत निगोदिया का वास है। भावलिंगी मुनिराज के शरीर में अनंत निगोदिया का वास है। मुनिराज का जीव अतीन्द्रिय आनंद का रस चखता है। उन्हीं मुनिराज के योग में रहकर उन मुनिराज ने जिन आकाश के प्रदेश को रोका है, उन्हीं आकाश के प्रदेशों पर रहकर निगोदिया एक सांस जितने काल में अनंत बार 18 बार जन्म मरण कर अनंत दुख भोगता है। ये संयोग जो है, उन संयोगों के कारण दुख की और सुख की लेन देन नहीं हो सकती। सभी जीव स्वयं का ही सुख भोगते हैं और स्वयं का ही दुख भोगते हैं। इसलिए वितरागी परमात्मा भी मेरे काम न आएंगे। संसारी जन तो मेरे काम न आएंगे, सिद्ध पुरुष भी मेरे काम न आएंगे। इसलिए एक ही साधन है, एक ही आधार है, ज्ञान स्वभाव। ज्ञान के अतिरिक्त अब श्रद्धा की मोहर किसी के ऊपर लगती नहीं। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। तब हाथ फैलाने जैसा लगता नहीं। भिख मंगा था वह मर गया। अब इस नगर में कोई भिक्षा नहीं मांगता है। भीख मांगने वाला तो भ्रम था, वह भ्रम ही मर गया। भ्रम से भिक्षा मांगी जाती थी, क्योंकि भ्रम भी इतना खतरनाक था कि मैं खाली हूं।
मगर ज्ञान से ये विवेक जगा के मैं परिपूर्ण हूं, अब भिक्षा मांगने का प्रयोजन क्या है? ऐसा मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान को ही अवलंबन लेकर के, ज्ञान का ही आश्रय लेकर के बंधन कट जाता है, संबंध कट जाता है, ऋणानुबंध से मुक्ति होती है। उसे ही काटने वाली, उस बंधन को काटने वाली जो विवेक शक्ति है, आचार्य देवों ने, आचार्य कुंदकुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समय सार के बंध अधिकार में समझाई। गहरा भाव है, इन भाव को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हम समझते हैं। 294 नंबर की गाथा है, जीवो बंधो यतहा छिच्छन्ति सलखणे ही नियमणे ही पर्णा छेदनम एव दो छिणा नाणत मावणा पर्णा छेद नायण दुछिणा नाणतमावणान। जीव तथा बंध नियत स्व लक्षणों से छेदे जाते हैं, प्रज्ञा रूपी छेनी से छेदे जाने पर वे नानात्व भिन्न पने को प्राप्त होते हैं। स्व लक्षणों से छेदे जाते हैं, ये अद्भुत कला है। जैसे जोड़ वाली लोहे की छड़ को हथौड़े लगाकर छेनी द्वारा अलग किया जा सकता है, ऐसे ही प्रज्ञा छेनी से कर्म को आत्मा से अलग किया जा सकता है। जो ज्ञान रूपी छेनी है, लोहे की छड़ को यदि दो टुकड़े करना है तो छेनी को उस स्थान पर रखो जहां संधान हो। यदि संधान पर छेनी रखकर उस पर हथौड़ी मारी जाए तो दो टुकड़े सरलता से हो जाते हैं। वो संधान दिखना बहुत जरूरी है कि कई जगह ऊपर एनो सांधो छे, ये लोखंड ने ये सांधा ऊपर छीणी अने हथोड़ी वड़े ये बे टुकड़ा थई जाए छे। यहां ऐसे ही ज्ञान रूपी छेनी से ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य और देह के बीच में ये संधि है, उस संधि को अलग करना है, काटना है, बंधन को काटना है। जैसे बंध की चर्चा करके और मुक्ति की चर्चा करके कोई बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, जैसे भोजन की चर्चा करने से कोई अपनी भूख को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए उसे भोजन करना पड़ता है। इसके संबंध में जो भ्रम है, उन भ्रम से मुक्त होने के लिए भी ये गाथा मैंने चुनी है समय सार की, कि कुछ करना पड़ेगा। खाली भोजन की चर्चा मत करो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जब चैतन्य की पुकार की तो समाज में बहुत निंदा हुई, क्रियाकांडियों ने बहुत ही गुरुदेव का अनादर किया, अभिनय किया, विराधना की कि ये पुरुष धोखेबाज है,
करना कुछ भी नहीं है, जो करता था वह भी करना बंद कर दिया, अब बातें करना शुरू कर दिया कि भगवान आत्मा भगवान आत्मा। समय सार में स्पष्ट लिखा है कि भोजन की चर्चा करने से भूख नहीं मिटती है, भोजन करना चाहिए। ऐसे ही भगवान आत्मा की चर्चा तुम करते हो, मगर और करते क्या हो? भोजन को पकाया कहाँ? भोजन की सामग्री भी इकट्ठी कहाँ की? अभी क्या व्रत किया, तप किया, शील संयम क्या है आपके पास में? कौन से महाव्रत है, कौन से अणुव्रत है, कौन सा अपरिग्रह है? घर में रहते हैं, चांदी की थाली में भोजन भी करते हैं, विमान में यात्रा करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, इस समस्त प्रकार के संग से तो अभी छूटे नहीं है और चर्चा करते हैं, मगर गुरुदेव जहां पर थे उन क्रियाकांडियों की दृष्टि वहां पहुंचती नहीं थी। क्योंकि गुरुदेव जो कहते हैं कि भोजन की चर्चा करने से भूख नहीं मिटती, सत्य है, भोजन करना चाहिए, मगर तुम्हारा भोजन मांस का भोजन तुम्हारा भोजन है, ज्ञान का भोजन तो तुम्हें भोजन लगता ही नहीं है। तुम मांस का भोजन करते हो, क्रिया कांड में अपनापन करने में मांस भक्षण से भी ज्यादा बड़ा पाप। मैंने आज उपवास किया, इस प्रकार के भाव में, मिथ्यात्व में मांस भक्षण से भी ज्यादा बड़ा पाप है। क्योंकि मांस की जो क्रिया थी उस क्रिया को उसने ग्रहण करना चाहा, उस क्रिया को अपने अंदर लेना चाहा कि मैं आज भूखा रहा। ये जो देह के परमाणु है, इन परमाणुओं में ऐसा मोह का भाव कि ये मेरी क्रिया है। एक थाली में से दूसरी थाली में माल न गया और ये भ्रम में ही भ्रमित हुआ कि मैं तपस्वी हो गया। पहली थाली भी पराई और दूसरी थाली भी पराई। ये आंख ये कैसे मान ले कि मैं धार्मिक हो गई? ज्ञान मात्र जानता है कि वहां पात्र में भोजन है और पेट में नहीं गया। वह थाली भी पराई है और यह थाली भी पराई है, और अत्यंत दूर से जानने वाला ज्ञान कुछ भी नहीं करता, ना उस थाली में है ना इस थाली में है। ऐसा जो भेद ज्ञान जो गुरुदेव के अंतर में बरतता था वो दुनिया को नहीं दिखाई देता था। जो धर्म है अंतर की परिणति है, धर्म है वितराग शुद्ध परिणति है। इसलिए इस गाथा में बंध को छेदन करने की जो विधि है वो ज्ञान है, ज्ञान रूपी चैनी से। उस ज्ञान का अर्थ शास्त्र ज्ञान भी नहीं है, उस ज्ञान का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम से भी छूट जाना। आप ऐसा चैतन्य चैतन्य ये जो ज्ञान सत्ता है उसका आश्रय कैसे लेते हैं, ये अद्भुत कला अभी हम समझते हैं। ज्ञान साधन, इसे ही साधन बनाना, और किसी का अवलंबन ज्ञानी नहीं लेते। अब उस जगह पर बंध जाना, अब फिर विकल्पों की चिंता नहीं रहेगी। जैसे निहाल चंद जी सोगानी जी कहते हैं कि बछड़े को यदि एक खूंटे के साथ में बांध दिया जाए फिर ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि ये बछड़ा भटकता क्यों है। बछड़ा भटकता है ये शिकायत तुम करते हो क्योंकि एक खूंटे से अभी बंधा नहीं है। यदि बंध जाए फिर ये शिकायत ही नहीं रहेगी। पहली शिकायत थी कि पूर्व में भटकता है, फिर पश्चिम में भटकता है, उत्तर में और दक्षिण में भटकता है, तरह तरह की शिकायत थी। अब एक भी शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि एक जगह बंध गया। ये उपयोग भटकता है, ये विकल्प इतने भटकते हैं, इसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उपयोग उपयोग से बंधा नहीं है। वह जो उपयोग उपयोग में बंध जाए, एकत्व हो, उसे कहते हैं ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर
उसी में ही स्थित हो गए। आशा थी, उस आशा का अब मर जाना हुआ। ये रिश्ते जितने भी टिके हैं एक आशा के बल पर टिके हैं। अभी मैं यहां से उठूंगा कोई मुझे नाश्ता देगा, अभी मैं यहां से उठूंगा कोई मुझे पानी देगा, यहां से उठूंगा कोई मेरे पैर दबाएगा, कोई सेवा करेगा। ये जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में भविष्य की आशा है। ये स्थिति ऐसे ही है जैसे कोई पुरुष आगे घास लेकर जाता है और गाय उसके पीछे चलती है, घास मिला ही नहीं, घास आगे है, उस गाय को पीछे से लाठी मार करके कितना भी भगाओ वो भागती नहीं थी, मगर बिना मारे ही आगे घास रखा और वह गाय चलती है एक आशा के बल पर कि अभी घास मिलेगा। हमारे सारे रिश्ते ऐसे ही है, कुछ मिलेगा। और जब ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया तो उम्मीद ही नहीं है, अब किसी से उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं इस सत्ता से हट नहीं सकता। बछड़ा अब उम्मीद नहीं रखता, खूंटे से बंधा है ना। अब सामने कोई व्यक्ति घास लेकर के खड़ा है, अब वो बछड़ा क्या मांगे कि वो घास मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं अपने खूंटे से हिल नहीं सकता, वो घास मुझे कैसे मिल सकता है। मैं अपने ज्ञान स्वरूप से हट ही नहीं सकता, फिर पराये से मुझे क्या मिलेगा। यहां से दूर जाऊं तो पर से कुछ मिले, मगर अपने से ही दूर नहीं जा सकता। ऐसे ज्ञान की अनुभूति के लिए ये गाथा। जीव तथा बंध नियत स्व लक्षणों से छेदे जाते हैं। नियत अर्थात निश्चित, अपने स्वभाव से नियत, जो सदाकाल टिक कर रहने वाला है ऐसा नियत, नियत का अर्थ, वो ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। जो ज्ञान तरंग की तरह है उस ज्ञान से मैं अपनी पहचान नहीं करता, उस ज्ञान को ज्ञानी एक और रख करके विश्राम करते हैं, नहीं तो बोझ लगता है, आभूषण है, बड़ा लगता है, समाज में ख्याति है, प्रसिद्धि है, वाह वाह है, मगर कितने भी महंगे गहने हो, सोने चांदी के शादियों में महिलाओं ने पहने हैं, मगर रात्रि में विश्राम करते समय सब गहने एक और उतार देते, बोझ लगता है। गहने है, समाज में वाहवाह होती है, मगर उसे साथ में रहकर के विश्राम नहीं हो सकता। जब ज्ञानी स्वरूप में वास करते हैं, विश्राम करते हैं, तब वो क्षयोपशम ज्ञान का जो गहना है उस गहने को हटा देते हैं, उसे एक और रखते हैं। इसलिए जितना भी शास्त्र को जाना हो वो सब मेरा ज्ञान नहीं, वो पराई की तिजोरी में भरा हुआ माल है और उसमें अपनापन करना ये चोरी है। मैं शास्त्रों को जानता हूं इसमें चोरी पंडितों को दिखती नहीं, क्रिया कांडियों को दिखती नहीं, शुष्क ज्ञानियों को दिखती नहीं, क्रिया जड़ को दिखती नहीं। गुरुदेव ये कहते हैं बुद्धि के साथ में रिश्ता जोड़ा वो व्यभिचारी है, जो बुद्धि मेरी नहीं है उस बुद्धि से मैं रिश्ता नहीं जोड़ता। ऐसे ही ये देह जो चलता है बस ऐसे ही ये बुद्धि है। इसलिए ज्ञानी को जब सागर की लहर को देखते हैं तो सागर जितना दूर दिखता है उतना ही सागर को जानने वाला ज्ञान भी दूर दिखता है, उतना ही दूर दिखता है भगवान। उस ज्ञान में ऐसा नहीं लगता कि मैं जान रहा हूं। अभी यह ज्ञान पैदा हुआ ना, थोड़ी देर पहले नगर की और दृष्टि थी, अब सागर की और दृष्टि गई, तो नगर से सागर की ओर जैसे मुंह घुमाया और ये ज्ञान खिला, ये सागर, ये तरंग,
ये खिलाने ज्ञान, अभी नगर था, अभी ये सागर, वह ज्ञान खिलाने, उस समय उस ज्ञान में ये मैं, ये भाव स्वप्न में भी पैदा नहीं होता। और जोर है उस सत्ता पर, जब नगर पर ध्यान था और सागर पर ध्यान गया, तब दोनों क्रिया में जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो ही ज्ञान सत्ता है। इसलिए ज्ञेयो तो बदलते रहते हैं, ज्ञान की अवस्था भी बदलती है, जगत बदलता है, मगर अंतर में वो जो कुटस्थ, ऐसा जो नियत चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव से दृष्टि हटी नहीं है। इसलिए किसी को भी जान प्रयोग इस प्रकार का करेंगे हम, ये आज शुरुआत करते हैं। ज्ञान स्वभाव को साधन बना करके ही बंधनों से छूटा जा सकता है। बंध के लक्षण को जानो और ज्ञान के लक्षण को जानो। बंध अलग है और ज्ञान अलग है। गाय रस्सी से बंधी है मगर बंधी नहीं है, वो बंध के स्वभाव को जानो और गाय के स्वभाव को जानो। मात्र गाय के स्वभाव को जानो जिसमें बंधन का स्वभाव नहीं है। बंधन का स्वभाव तो रस्सी का है, रस्सी बनती है, बंध का स्वभाव रस्सी का है, गाय का नहीं है। ये जो बंध आत्मा का कहते हैं कि आत्मा बंधा है, आत्मा नहीं बंधा, ये कर्म का स्वभाव बंधन है, ज्ञान का स्वभाव बंधन नहीं है। ये बंधन के स्वभाव को जानना और ज्ञान के स्वभाव को जानना। वो रस्सी ही बंधी है और रस्सी ही खुलती है। गाय तो न बंधी है, गाय न खुलती है, गाय है, संजोग है कि उसका गला बीच में आया है, मगर वह बंधन भी उसे तब लगे जब गाय को उमराला छोड़ करके भावनगर जाना, अहमदाबाद जाना, उस गाय को गति करनी हो, अरे यहां से कहीं बाहर निकलना हो तो तकलीफ हो, मगर गाय को जाना ही न हो। सोती हुई गाय को यदि रस्सी से बांधी हो, विश्राम करती हुई गाय को रस्सी से बांधा हो, तो उसे क्या फर्क पड़ता है, उसका उपयोग ही वहां नहीं है। जब ज्ञान सत्ता को देखो कि जो ज्ञान सत्ता में चाहना नहीं है, जो कुछ पाना नहीं चाहता, जो कुछ खोना नहीं चाहता, जो ज्ञान 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 है, यही तो मैं हूं, अब ये बंधन मुझे कहां बांधता है, बंधन बांधता कहां, जिसे चाहना है उसे बंधन बांधता है, चाहना ही नहीं तो बंधन बांधे कैसे। सिद्ध भगवान नहीं तो बंधन वाले होते, सिद्ध भगवान से बड़ा बंधन वाला और कोई ना होता, और वो भी अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए लोक के अग्रभाग पे बंध गए, अब कहीं हिल नहीं सकते, मगर वो बंधन नहीं है, वो मुक्ति है, क्योंकि घूमने की भटकने की चाहना हो और भटक न सके तो बंधन है, वो चाहना तो है नहीं, आनंद का भोग है, फिर वहां बंधन कैसा। संसारी तीन लोक में सब जगह मुक्त रूप से विचरण करता है, फिर भी बंधा हुआ, और सिद्ध भगवान एक ही जगह पर बंधे हैं, फिर भी मुक्त, ये उल्टा कैसे। मुक्त तो हम होने चाहिए, हाथ हिलाते हैं, यहां से यहां कोई बंधन नहीं है, वहां तो बैठ गए, हिल ही नहीं पाते, फिर भी मुक्त, क्योंकि यहां अनंत चाहना पर ही है, चाहना में बंधन है, वहां चाह से मुक्त है, इसलिए मुक्ति है। यहां तीन लोक के सभी प्रदेशों पर घूमता है, मगर कर्म की हथकड़ियों से बंधा है, वहां अनंत काल तक एक ही प्रदेश पर है, मगर कर्मों की हथकड़ी से मुक्त हो चुके हैं। यहां सब जगह घूमता है मगर कारागृह में बंधा है, वहां कारागृह नहीं है, वहां वह घी अब मिट्टी से निकल चुका है, अब वह शुद्ध हो चुका है, अब वह सोना खदान में नहीं है, खदान से निकल गया, अब वह सोला वान वाला
वो सोना ऐसा शुद्ध हुआ उसमें रंज मात्र भी मलिनता नहीं। अब वो 24 कैरेट सोने की तरह है, शुद्ध सोना। सोना कितना भी शुद्ध हो, कोई भी सोनी ये गारंटी नहीं देता कि ये 100% शुद्ध है। 1000% शुद्ध कोई सोना होता ही नहीं, इसलिए वो बताते 999। कोई भी व्यापारी के पास में जाओ 100 नहीं बताएगा, 999 995, ऐसा सोना। कुछ तो है अधूरा रह गया है, मगर जिसमें कुछ अधूरा ही नहीं, 100% 1000% अनंत परसेंट जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। बंधन है कहा, ये बंधन और चैतन्य के स्वभाव को पहचाना। अब अंतर में डुबकी लगे बिना रह नहीं सकती। अब ज्ञान सत्ता, ये ज्ञान सत्ता ये रहे। रोटी को तुमने लिया है, रोटी को तोड़ा है, सब्जी में तुमने मिला ये, मगर बीच बीच में तुम्हारी स्थिति ऐसे होगी जैसे विकल्प से भी अंदर में स्पर्शना होगी। कुछ जीवों की ऐसी स्थिति मैंने देखी, इसी वजह से ये भाव आया ये गाथा लेने का। बीच बीच में ऐसी स्थिति आप परमात्मा की आएगी कि जहां ये देह की क्रिया होती है, उस क्रिया के काल में बीच में विकल्प से, अभी की भूमिका में ये विकल्प से भेद ज्ञान होगा, विकल्प से हटते जाएगा और वहां वो रस चखने में आएगा। जैसे ही विकल्प से भी ये चिंतन चला, वो जो जीव पर जो रस आता था, वो बेहोशी से जो रस आता था, वह रस अब चला जाएगा। उसकी तैयारी रखना, ये खास बात है, और तैयारी रखना। इसलिए कुछ लोग ये चैतन्य की पुकार सुनकर के दोबारा नहीं आते, उसका मूल कारण है। एक आदमी थोड़े दिन पहले ही उसने कहा, जिस दिन पहली बार आया था, कहीं नागपुर से कहीं से आया था, सब कुछ छोड़ कर के आ गया था। गजपंथा में उसे पता चला, मगर उसने सत्संग सुना, 2 घंटे तक साथ में रहा, बैठा, कुछ प्रयोग मैंने उसे कहे, उसने कहा सब छोड़ करके आ जाता हूं। और वो गया सो गया, अभी तक आया नहीं। एक बार जूम मीटिंग हुई, उसमें उसने बताया कि थोड़े दिन के लिए सब सिमेट करके आपके पास में जीवन भर के लिए आने के लिए मैं यहां आया था, मगर यहां जब पत्नी को भोगने गया तो वो भाव ही नहीं आया। इतना उदासीनता, इतनी उदासीनता कि भय लगा कि मेरा सुख छीना जा रहा है, ये होगा। जब मैंने मिठाई को जीभ पर रखा ने तो लगा कि वहां बार बार आपकी वो पुकार याद आती है कि वो मिठाई आई है, उसका जो रस वो नहीं ले पा रहा हो। ये संभावना पूरी है कि चैतन्य चैतन्य का चिंतन जब अंदर में चालू होगा तो इंद्रिय विषय का जो काल्पनिक सुख है वो छूटेगा, क्योंकि कल्पना से बाहर आ रहे हो, वास्तविक से तुम्हारा परिचय हो रहा है। और अभी पूर्ण परिचय हुआ नहीं है, अभी मझधार में हो, न इस किनारे पर न उस किनारे पर, बीच में हो। तब फिर जीव चुनता है कि वो किनारा कैसा होगा उसका तो पता नहीं, लाओ एक ही उपाय है, वापिस चला जाओ, कम से कम जाना पहचाना तो है। तब वो वासना में वापिस चला जाता है, तब वो सत्संग सुनकर के उस परम ध्यान की दशा से वंचित रह जाता है, फिर वो वासना खींचती है उसे, क्योंकि निर्विकल्प की अनुभूति के आनंद का परिचय नहीं है, और विकल्प जो है वो विकल्प का अनुभव है। आत्मा की अनुभूति के आनंद का तो अनुमान है और इंद्रिय विषयों का अनुभव है, इसलिए वो अनुभव खींचता है। वो अनुमान इतना जोर वाला नहीं होता, वो अनुभव खींचता है। तो
तो उसके लिए सबसे पहले यह चाहिए कि वो जो अनुभव खींचता है, वो अनुभव जो आनंदमय था ऐसा खींचता है, वो पूरी तरह से दुखमय है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, फिर वो खींचेगा नहीं। फिर वो वापिस जाने के लिए मन न करेगा। पूरी तरह से वो इतना दृढ़ निश्चय हो जाए। आज ही का दिन था जब मैं यहां पर बैठा और अभी मैंने प्रारंभ किया, वो अनुभव का विषय मुझे स्मरण में आया। बा बापूजी परिवार जन से मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया था कि अब कुछ करके दिखाऊंगा, अब वापिस ना आऊंगा। मुंबई जब गया अठारह रात तक चर्च गेट के फुटपाथ पर सोया, यहां कम से कम रोटी तो मिल जाती थी, मगर वापिस नहीं आना था। कुछ करूंगा वो जीत थी, कुछ करूंगा। उनके पास में ढाई रुपया, आखिर में ढाई रुपया बचा था, चार रुपये का पार्ले जी का बिस्किट आता है, तो बीच में अठारह रात तक अब 72 रुपये उसमें लगते थे, 78, मगर उसमें भी बीच में कुछ 8.5 रुपये 10.5 रुपये कुछ खर्च हुए, क्योंकि बीच में सिर दर्द हुआ, बुखार आ गया, तो वो दवाई खरीदी तो दवाई का भी खर्चा हुआ। अंतिम दिन तो 2.5 रुपया बाकी था, 2.5 रुपया बचा, 1.5 रुपया कम है। पार्ले जी का छोटा पैकेट आता तो आधा ले लेता, उस समय 4 रुपये वाला ही था, 1.5 कम है जेब में। देखता था मुंबई की मायाचारी को, लोगों को, दौड़ धूप को, मोहमयी को, 1.5 रुपया जेब में कम है। उस समय एक और यह भी विचार चलता था, 1.5 कम नहीं है, 1 भी कम नहीं है, अनंत भरपूर है, गुण अनंत भरपूर है, 1 भी कम नहीं है, 1.5 कहां कम है। वो एक अंदर का यहां के अनुभव से थक चुका था, वापिस आना नहीं था, थकना जरूरी है। ये बात इसलिए स्मरण में आई क्योंकि आज ही के दिन मैंने मुंबई में पहली बार पैर रखा था, 9 तारीख 9वां महीना, सुबह के 6:08 पर मेरी ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर उतरी थी, रुकी थी, गुजरात मेल में बैठा था, अहमदाबाद से कुछ 10 बजे चलती थी, सुबह पहुंचा था, मगर थक चुका था, वापिस तो आऊंगा नहीं। ये थकान बहुत जरूरी है, खाली हाथ तो लौटूंगा नहीं, क्योंकि इनको वादा करके गया था कि करोड़पति होकर दिखाऊंगा, अब किस मुंह से वापिस आऊं। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, कल का ही दिन है, बा को पता है, जन्माष्टमी के दिन बापूजी को मेले के अंदर ही चैलेंज देके गया था, जा अब तेरे को मैं दिखाता हूं। निकल गया था, और वो पैसे भी 78 रुपये वो मेहमान ने सबने दिए थे, वो मैंने बचा के रखे थे, मेहमान घर में देते थे ना 5 रुपया 2 रुपया जो जाके देते ऐसे, उस समय तो 5 रुपया भी ज्यादा लगता था, आ छोकरा एम कर 5 रुपया आप 2 रुपया ऐसा इकट्ठा करता था, गल्ला नहीं अंदर वो आता ना वो पेट, उसके अंदर डालते फिर एक साथ में तोड़ के निकाल लेते, वो माँ बाप भी तोड़ के निकालते थे पहले तो, ये निकाल चल, वो मैंने ही तोड़ दिया उसको, मिट्टी का था, उमराला में लेके आए थे, मुझे पता है लिंबा बाई छे ना कुंभार, एनी पाए थी लाया था ई गल्लो। मगर वापिस पीछे मुड़कर देखने का ही नहीं। मैं ये कहता हूं अनुभव जब इंद्रिय विषय का भोग जब भोगा है उसका अनुभव इतना दुखमय लगता है, तो दुखमय क्यों लगे, क्योंकि अंत की क्रिया को पहले से ही देख लेता है तो फिर अब दुखमय लगने लगता है।
भोजन जब सामने आता है तब मैं भोजन को नहीं देखता, भोजन जब कल भर गया था, पेट भर गया था, तब क्या हुआ था उसको पहले से देख लेता हूं, इसलिए अब तकलीफ नहीं होती। स्त्री को भोगने जाओ तब उस स्त्री को मत देखो, कल स्त्री को भोगा था तब अंत में क्या हुआ था, आज स्त्री की ओर चेहरा है मगर कल भोगने के बाद में 36 का आंकड़ा हो गया था, तुम्हारा चेहरा उधर था, पत्नी का उधर था, उस दृश्य को अभी याद कर लो जब स्त्री सामने है, तब फिर वो अनुभव फिर पिघलता जाएगा, फिर वो सुख की वासना अब मंद होती जाएगी, मगर वो दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए, उस संकल्प को लेकर के ही फिर वो यात्रा होती है, फिर उस पार से इस पार आता है, तत्व विचार भी चलता है, भूतकाल के अनुभव का दुखमय ये संसार उसका बोध भी साथ में है, अब सदगुरु की नाव भी जिसमें वो बैठ गया है, अब पार कैसे न हो। गुरुदेव ये झिनवाणी माता रूपी नाव है, गुरुदेव की स्तुति ना सुकानी, तुझ सुकानी मळ्यो के कुछ आता है ना सब, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, गुरुदेव के लिए सुकानी बहु बहु दोष, देखो उसको याद है, इतने भी समझो ये इसको मैं यहां लेके आया हूं, उसको जैसे मैंने देखा जहां पर पागल खाना होता है ना, पागल खाना वहां उसको भर्ती कर दिया था उसके घर वालों ने, वहां से उठा कर कि तू नहीं है पागल, तू परमात्मा है, और वो बैग लेके आ गया कि मैं परमात्मा, और उसे वो पता है कि गुरुदेव सुकानी, तुम किसे पागल कहते हो, पागल पागल कहके पागल बना दिया, इसको देख के ही मैंने पता चला ये व्यक्ति हमेशा टिक के रहेगा, ऐसा है ये दीवाना है, उसके घर वालों बोल दिया कि उसके पास में बात भी मत करना घर वालों के साथ में, तू पागल नहीं है तू परमात्मा है। मैं खास उसको मिलने गया था सोनगढ़ और पालीताना के बीच में, मंद बुद्धि का आश्रम है, वो मंद बुद्धि नहीं है, वो मंद बुद्धि नहीं है, उन्हें तुम मंद बुद्धि नहीं कहो तो तुम्हारा आश्रम नहीं चलेगा, पैसे की कमाई कहां से होगी, कोई मंद बुद्धि नहीं होता उसे मंद बुद्धि मत कहो, वो तीन लोक का नाथ परमात्मा है, आश्रम तो चलेगा, परमात्मा कहने से आश्रम नहीं चलता, ये आध्यात्मिक साधना केंद्र नहीं चल रहा, परमात्मा कहकर चलता है। और जो मुझे याद नहीं आया आज उसे याद आया, किसी को याद नहीं आया आज उसे याद आया, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। मुझे पहली बार ही उसे देख करके मैंने कहा गाड़ी में बैठ जा, पहली बार ही जब मैंने उसको देखा आ जाओ तू, ऐसे ही, क्योंकि मुझे संकेत पहले से मिले थे, नहीं तो और भी लोग थे, उसके पास मैं क्यों गया, उसके साथ ही क्यों चर्चा की, वो घड़ी मुझे अभी भी याद है, रात का समय हो गया था, अंधेरा था, याद है ना तुम्हें अंदर बंद करने वाले थे, अंदर बंद करे उससे पहले ही मैंने उसे बाहर रखा थोड़ी देर, कि थोड़ी देर रुक जा इससे पहले तुम्हें पिंजरे में बंद कर दे, थोड़ी देर ये बात सुन ले फिर तू उस पिंजरे को तोड़ के बाहर आएगा, क्योंकि एक बार बात सुनी वो संसार के पिंजरे को तोड़ देता है, वो तो पागल खाना वो क्या है, कोई पागल नहीं है, तू तीन लोक का नाथ परमात्मा, तू परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा, परमात्मा को खोपड़ी के साथ में तोलना ये परमात्मा का अपमान है, क्षयोपशम ज्ञान ऐसा भगवान, दो कौड़ी का क्षयोपशम ज्ञान, दो कौड़ी की भी वैल्यू होती है, क्योंकि बाजार में दो कौड़ी से कुछ पहले के जमाने में आता था, क्षयोपशम ज्ञान से तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, दो कौड़ी जितना भी उसका मूल्य नहीं है। बंधन को छेदने के लिए सबसे पहले क्षणिक के बोध से इतना भराओ, अब जब वो इस भेद ज्ञान का चिंतन करता हुआ अब यात्रा करता है तब ये भूतकाल का स्मरण होगा, एक भव नहीं पूर्व के अनंत भवों की वही दास्तान,
सेम स्टोरी, ये शब्द खास याद रखें, सेम स्टोरी। फिल्म अलग है, स्टोरी सेम। जितनी भी फिल्में बनती है उन फिल्मों में क्या है, भारत की हर एक फिल्म सेम स्टोरी है, पात्र अलग अलग, सेम स्टोरी। ट्रायंगल की स्टोरी है, दो लड़की और एक लड़का, या दो लड़के और एक लड़की, एक चला जाएगा एक रह जाएगा, बस एंड वही ट्रायंगल है। स्टोरी सेम है, खाली फिल्म बदल जाती है, पात्र बदल जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बदल जाता है, सब सेम है। ये वेज कोल्हापुरी हो, वेज जयपुरी हो, पनीर टिक्का मसाला हो, ये सब ग्रेवी सेम है, खाली बस ऊपर लाल मिर्ची रख दी कि वेज कोल्हापुरी हो गया, कुछ खास फर्क नहीं होता, स्टोरी सेम है, पात्र बदल जाते हैं। फिर वो कोई भी स्टोरी हो, रामायण भी क्यों ना हो, ट्रायंगल ही है, राम सीता रावण, रावण चला गया राम सीता आ गए, बस स्टोरी सेम है, पात्र अलग अलग है। ऐसे ही अभी इस भव में ये माँ बाप नहीं, पिछले भव में भी, उससे पहले भी, ये सब पात्र अलग अलग थे, स्टोरी सेम थी, इसलिए पात्र से नहीं उपजाता, स्टोरी से उपजाता। अब उप स्टोरी से हुई है, सेम स्टोरी। हॉस्टल में लड़का किसी लड़की को लेकर के आया, और वार्डन जो थे वो वार्डन को पता चल गया, वो वार्डन गए दरवाजा खटखटाया, तो लड़की को वहां पर अलमारी के अंदर बंद कर दिया था। जैसे ही वार्डन ने अंदर देखा कि लड़की नहीं है, कि कहा कि अलमारी को खोल, अलमारी खोली तो लड़की निकली बाहर, बोले ये कौन है, कि वो तो मेरी बहन है, मिलने के लिए आई। वार्डन ने सिर्फ इतना ही बोला, सेम स्टोरी, तेरे पहले जितने भी विद्यार्थी आए, विद्यार्थी बदल गए, स्टोरी सेम, सबका यही कहना था मेरी बहन है, मिलने के लिए आई, स्टोरी सेम है, पात्र बदल गए। तो कल जिन विकल्पों से मैंने भोगों को भोगा, वो भोग अलग था, मगर वो वासना वही थी, भाव वही का वही था, वो ज्ञान स्वभाव के साधन से उस बंधन को छेदता है, ज्ञान के साधन से। किसका बल है तेरे पास में, ऐसा क्या है तेरे पास में? वो कोई फिल्म का डायलॉग आता है ना, तेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, ऐसा है? तेरे पास क्या है? मेरे पास में मां है। यहां कहते हैं तेरे पास क्या है, कि आत्मा है, और क्या है? उदय, उदय को कहता है उदय, उदय के पास में गाड़ी है, मेरे पास में नहीं है, ये उदय की गाड़ी है। बस दोनों को ऐसा भेद करके ऐसा जानना, बस हमेशा, बस इतना ऐसा दृढ़ निश्चय, दोनों अलग अलग है, ज्ञानचंद जी और उदय भाई, इन दोनों को अलग अलग। उदय भाई एक दिमाग में रख देना, उदय भाई, ये गाड़ी किसकी है, उदय भाई की, ये घर उदय भाई का है, उदय भाई, ये मां बाप किसके, उदय भाई के, ये शरीर किसका है, उदय भाई का है, ये सब उदय भाई का है, ये चाबी है, ये उदय भाई का है, खाना कौन खा रहा है, उदय भाई खा रहा है, चल कौन रहा है, उदय भाई, ये बोल कौन रहा है, उदय भाई, सुन कौन रहा है, उदय भाई, और तू उदय भाई है, नहीं मैं ज्ञानचंद जी हूं, तो तुरंत ही वो जो हो रहा है सो हो रहा है, उदय भाई है ना, तो वो अलग जगत का, वो उसका बायोडेटा चेंज हो गया, अब दूसरों का बायोडेटा लेकर के मोक्ष में कैसे जाएगा, बायोडेटा सच्चा दो तुम, ये मेरा बायोडेटा नहीं है, इतने व्रत किए तप किए, ये सब उदय भाई की तपस्या, ये समय सार,
जीव तथा बंध नियत स्व लक्षणों से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी से छेदे जाने पर वे नानात्व भिन्नपने को प्राप्त होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बंध अलग हो जाता है और जीव रह जाता है, माने बंध छूट जाता है, बंध छूट जाता है। उस समय भी तुम ये मत मानना कि मैं छूट गया, उस समय भी मैं, क्योंकि वो जो सत्ता है उस सत्ता से ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। वो जो सत्ता है वहां जो व्याप्त है, जैसे लोहे को ऐसे संधि है ना, एक लोहे एक दूसरा लोहा, उसके बीच में यहाँ पर संधि है। अब यहाँ पर छेनी मारी तो ये जो भाग था, ये भाग अलग हो गया और ये भाग रह गया। अब ये जो रह गया है ये भाग वो ये थोड़ी कहता है कि अब मेरा बंधन कट गया, क्योंकि ये जो सत्ता है इस सत्ता में तो ये पहले भी नहीं था, ये तो अलग था ना, यहां तो यही था, दूसरा जो कट गया वो यहां थोड़ी था। तो ज्ञान और बंध इन दोनों के बीच में छेद करो, मगर ज्ञान का बंधन कटता नहीं है, क्योंकि जो बंधन था वो ज्ञान के अंदर नहीं था, इसलिए ज्ञानी को लगता ही नहीं है मैं अबंध हो गया। ज्ञानी तो चैतन्यमय था और चैतन्यमय हूं, ये तो संयोग की दृष्टि से ऐसा कहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कल जो कहा, निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं बंधन है और मुक्ति है, स्वभाव की अपेक्षा से बंधन और मुक्ति कुछ भी नहीं है। ये 294 नंबर की गाथा, बंध की ऋणानुबंध की संबंध की ये गाथा है, जो मुझे आप ज्ञान दीपकों के सामने ये कहनी थी। अभी गुरुदेव के वचनामृत पर यहाँ कितने बजे सत्संग होगा, 10:23 पर 1 घंटे के लिए यहाँ सत्संग होगा, 10:23 से 11:23, अभी 7 बजे है, और अभी हम पूजा करेंगे और पूजा के बाद में अल्पाहार करके फिर थोड़ा आपको विराम दिया है कि जिससे आप चिंतन भी कर सको, विचार कर सको जो सुना है, और उसके लिए आप अपनी शंका भी तैयार रख सको। यदि आपको कोई होती है तो दोपहर के समय हम शंका भी लेंगे, उस पर भी विचार करेंगे, और पूजा करते समय भी जागृति रहे। जो कहा कि सिद्ध परमात्मा का भी बंधन मुझे नहीं है, महिमा मेरी ही है, फिर ये पूजा करने कौन यहाँ आ गया, क्या जरूरत थी है? देखो ये बोल रहे उदय भाई आ गए। यदि ये भाव रहे और मैं कौन ये जागृति रहे तो वह पूजा सार्थक है। अभी इतना है। Thank you.